और अब देखते हैं कि आज का इतिहास क्या कहता है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। वर्ष 1977 में आज ही के दिन 8 मार्च की तारीख को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर मान्यता दी थी। इस मौके पर 27 देशों में आधिकारिक रूप से छुट्टी रहती है, हालांकि भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल नहीं है। इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत 19 मार्च 1911 को जर्मनी में हुई थी। वहां की सोशलिस्ट लीडर क्लारा जेटकिन ने इस दिन को मनाने का आइडिया पहली बार दिया था। हालांकि बाद में यूनाइटेड नेशंस ने 1977 में महिला दिवस के लिए 8 मार्च की तारीख को चुना। आज 1921 में जाने माने शायर और गीतकार साहिर लुधियानवी का जन्म लुधियाना में हुआ था। 1943 में साहिर लुधियानवी लाहौर में रहने लगे थे और तब उन्होंने अपना पहला रचना संग्रह प्रकाशित किया था, जिसका नाम था तलखियां। बंटवारे के बाद 1949 में साहिर लुधियानवी लाहौर से वापस दिल्ली आ गए और फिर 8 हफ्ते के बाद मुंबई चले गए, जहां फिल्मों में उनका करियर शुरू हुआ। साहिर लुधियानवी को हिंदी फिल्म प्यासा, हम दोनों, कभी कभी और वक्त जैसी तमाम फिल्मों के शानदार गीतों के लिए हमेशा याद किया जाता है। सन 1817 में आज ही के दिन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज यानी NYSE की स्थापना हुई। NYSE को दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है और यह भी कहा जाता है कि 17 मई 1792 को न्यूयॉर्क के 24 शेयर ब्रोकर्स ने वॉल स्ट्रीट पर बटनवुड पेड़ के नीचे एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते को इस स्टॉक एक्सचेंज की अनऑफिशियल शुरुआत कहा जाता है, हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी शुरुआत 8 मार्च 1817 को हुई थी। वर्ष 1957 में आज ही के दिन इजिप्ट ने सुएज कैनाल को दोबारा खोल दिया था। सुएज नहर को लेकर इजराइल, फ्रांस और ब्रिटेन ने इजिप्ट के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था, क्योंकि इजिप्ट ने सुएज नहर पर अपना नियंत्रण करने की कोशिश की थी, जो ब्रिटेन और उसके सहयोगी देशों को बर्दाश्त नहीं था। और आज ही के दिन वर्ष 1822 में दुनिया की पहली तेल रिफाइनरी बनाने वाले पोलैंड के फार्मासिस्ट इग्नेसी लुकेसोविच का जन्म हुआ था। उन्हें आधुनिक केरोसिन लैंप के आविष्कार के लिए और फिर 1854 में दुनिया के पहले आधुनिक ऑयल वेल के निर्माण के लिए याद किया जाता है। तो DNA में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, और जाते जाते आपके लिए एक विचार। जिन परिवारों में हर फैसले में महिलाओं को बराबरी का भागीदार बनाया जाता है, वो परिवार ज्यादा सुखी और ज्यादा संपन्न रहते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिए। नमस्कार।